दोस्तों, बेन स्टोक्स की कैप्टनशिप में इंग्लिश टीम को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन टीम इंडिया ने दूसरे ही टेस्ट मैच में इसका हिसाब बराबर करते हुए इंग्लैंड को बाई जैक में 106 रनों से पीट दिया। अंग्रेज दूसरे टेस्ट मैच में हार से इतने आहत हुए कि भारत छोड़कर रवाना हो रहे हैं। दोस्तों, चौंक गए ना आप, लेकिन ये सही खबर है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम दूसरे टेस्ट मैच के बाद भारत छोड़कर जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम बाई जैक टेस्ट मैच के बाद मिले 9 दिन के गैप में भारत छोड़कर अबू धाबी जा रही है। यूएई के अबू धाबी के लिए इंग्लैंड की टीम आज ही रवाना हो जाएगी और वो वहां पर प्रैक्टिस करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इंग्लिश टीम 15 फरवरी से शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले वापस इंडिया आ जाएगी। माना जा रहा है कि अंग्रेज करीब एक सप्ताह तक अबू धाबी में रुकेंगे और वहां पर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो 13 फरवरी तक वापस इंडिया में लौट आएंगे और 15 फरवरी को राजकोट में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में खेलने उतरेंगे। इंग्लिश कैप्टन बेन स्टोक्स ने बताया कि उनके 3 खिलाड़ी वायरस का शिकार हो गए हैं, जो उन्हें भी यूएई जाकर आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड की टीम क्यों इस ब्रेक में यूएई जा रही है और वो क्या तीसरे टेस्ट मैच में वापसी कर पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ स्पोर्ट्स मैचअप।